सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी इफ्तार में नींबू पानी बनाती हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट में लाजवाब होता है। तो वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आप एक जग ले लीजिए और ठंडा पानी ले लीजिए। जितने भी आपको बनाना है नींबू पानी, उतना ही आप पानी ले लीजिए दोस्तों, जितने सदस्यों के लिए बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आधा जग पानी ले लिया है और 2 से 4 चम्मच ऐड करूँगी शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुगर को ऐड कर लिया। अब हमने यहाँ पर लिया है 4 टुकड़ा नींबू के और पुदीना की फ्रेश पत्तियाँ, और दूसरा हमें यहाँ पे लिया है सॉल्ट। ये पिंक सॉल्ट है और ये नॉर्मल सॉल्ट है। तो ये आपको मिले पिंक सॉल्ट तो आप ले सकते हो, वरना आप नॉर्मल सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पिंक सॉल्ट से जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही बेहतरीन आता है। इससे ही मेरा नींबू पानी जो है बहुत ही अच्छा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों नमक को ऐड कर लिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि शुगर के साथ अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। अब बारी है नींबू ऐड करने की। तो अब हम इसमें नींबू बारी बारी से ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली हाथों से ही स्क्वीज कर सकते हो, तो मैं इससे कर रही हूँ। देखिए, फटाफट से हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग भी अपनी इफ्तार में इसी तरह से नींबू पानी बनाया करिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लजीज होता है। इस तरह से आपको घर में ही बन जाता है बेहतरीन सा नींबू पानी। तो ये देखिए, सारा नींबू मैंने स्क्विच कर दिया है। अब फ्रेश पुदीना की पत्तियाँ जो है हमारे पास, वो ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने ऐड कर दिया है सारा। अब इसमें थोड़ा सी मैं आइस क्यूब्स भी ऐड करूँगी। ये देखिए, मेरे पास आइस क्यूब्स है और इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको ऐड कर दूंगी। और बस हमारा जो नींबू पानी है वो रेडी हो गया है बनके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नींबू पानी है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। इफ्तार के टाइम पे आप इसको बनाकर रख लीजिए। बहुत ही मज़े का नींबू पानी बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। इस तरह से आपको टेस्ट इतना अच्छा आएगा। पुदीना भी हमने इस्तेमाल किया है, जिससे आपको बहुत ही नया टेस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि हमने इसमें पिंक कलर का सॉल्ट ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें जंजीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बेहतरीन होता है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।